दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आपको मार्केट बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आप भी अपने मार्केट को आराम से बना सकते हैं, क्योंकि लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन उनसे मार्केट नहीं बन पाता है। उनका समस्या होता है कि हम कैसे मार्केट में जाएंगे और कैसे कस्टमर को पहचानेंगे कि हमारा कस्टमर बड़ा कौन सा, होलसेलर कौन सा, रिटेलर कौन सा है। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और आपको अपना हम बताएंगे कि कैसे हम किए 25 रुपए के पेन लेकर के और 40,000 का माल सेल करना, वो कैसे किए हैं आज हम आपको डिटेल में पूरे विस्तार से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ताकि आप भी अपने काम को इसी तरह से कर सके। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे अभी जिससे कि आपको बहुत ही मोटिवेट आप होंगे और बहुत ही एनर्जी के साथ आप मार्केट जाओगे और अपने पार्टी को आप भी इस तरह से बना करके अपना काम को आगे बढ़ाओ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप सबको मार्केट से रिलेटिव कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं, ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आपको अपने काम को करने में बहुत ही आसानी होगी और आपको अपने ही मार्केट में बड़े बड़े कस्टमर चुनने का बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि बहुत लोग बिजनेस करने के बाद उनको नहीं समझ में आता है कि बड़ा कस्टमर को हम कैसे देखें, जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं उनके पास हम कैसे जाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन दुकानदार ज़्यादा माल लेता है और कौन कम लेता है। क्योंकि अगर यदि आप होलसेलर रेट करना चाहते हैं, होलसेलर से काम या रिटेलर से भी, तो बिजनेस किए हैं आप तो आपको ज़्यादातर बड़ा कस्टमर पकड़ना होगा जिससे कि आपका एक ही गाड़ी में 1 महीने का माल चला जाए। तो ऐसे आप कैसे करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जैसे कि हम भी बिजनेस कर रखे हैं और हमें भी स्टार्टिंग में मार्केट जाने में समस्या होता था, लेकिन हम आज आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जिससे कि आप भी यही ट्रिक को अपना के और आप भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे से अच्छे कस्टमर चुन सकते हैं। बहुत ही आसान होता है ऐसे करना, लेकिन बहुत लोगों को इन सब चीजों पे ध्यान नहीं जाता है और खुद अपना एक्स्ट्रा आइडिया नहीं लगाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अभी कुछ दिन पहले मार्केट गए थे और 25 रुपए का हम पेन लिए थे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि 25 रुपए का पेन लेकर के 50,000 का माल सेल किए, तो ये सही बात है और जायज है और कैश में मेरा माल गया। एक दिन हम मार्केट गए, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, मेरे पास समय था, बैठे थे तो हम सोचे कि आज मार्केट कर लेते हैं। तो मार्केट गए तो मेरा शुरू से एक अलग ही मार्केट करने का मेरा तरीका होता है और वही तरीका हम आज आपको बताने वाले हैं। ऐसा चीज कोई नहीं बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह का कोई नहीं बताना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप काम करें अगर सेम उसी तरह से सब करता है तो आपको लॉस लग जाएगा और आपका जो मार्केट है खराब हो जाएगा। क्योंकि सेम जो आप करें वही कंडीशन वो भी अपनाएगा तो फिर आप पे दिक्कत हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि हम कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए आप लोग को। तो जैसे कि हम गए मार्केट, एक छोटा सा दुकानदार था उसके पास हम गए, वहां से हम एक पेन लिए, पेन लिए, वो पेन पड़ा हमें 25 रुपए का, उन्होंने दिया 25 रुपए का पेन, हम रख लिए और रख के उनसे कुछ बातचीत हम किए जिनसे कि एक मित्रता सा उनसे मेरा बन गया। और 10 मिनट, ज्यादा नहीं, मात्र 10 मिनट में हम उनसे सब कुछ पूछ लिए जो हमें पूछना था। अब सोचिएगा सब कुछ क्या पूछ लिए, छोटा सा दुकानदार से आपका क्या हो गया? छोटा सा दुकानदार से हम पेन सिर्फ लिए, उनका कमाई हम किए और मेरा कमाई वो किए। कैसे किए? हम तो उनसे 25 का पेन लिए और उनसे बातचीत करके अपना एक दोस्ती बढ़ा ली है। उसके बाद हम उनसे पूछे कि सर क्या आपके जानकारी में कोई भी बड़ा दुकानदार है जिससे कि आप मटेरियल खरीद के लाते हैं, जैसे कि जो भी आप सामान लेकर के आते हो, आप भी किसी से लेकर के आते होंगे। तो वो बोले कि हाँ, क्या काम है? तो हम उनको अपना प्रपोजल दिए कि हम बताए कि हम ये काम करते हैं और मेरे पास में होलसेलर रेट पे सब होता है, हम बड़ा प्लांट कर रखे हैं और हम बड़े लेवल पे ही ऑर्डर लेते हैं। तो वो भी कुछ हमें ऑर्डर दिए, बोले हमें भी कुछ दे दीजिएगा थोड़ा बहुत माल होगा तो उनको हम बोले ठीक है दे देंगे, लेकिन आप हमें उनका नंबर दे जो आपसे भी बड़े हैं, जिनसे अभी तक आप मंगवा रहे थे। तो
तो उनसे बातचीत किए, उन्होंने चार पार्टी का नंबर दिए कि आप चार पार्टी का नंबर देते हैं और आप चार पार्टी से आप जाकर बात कीजिएगा, हम इन सबसे माल उठाते हैं। तो इतना ही पे नहीं रुका, उसके और आगे भी इंटरेस्टेड कहानी है, आप सुनिए पूरा वीडियो को देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा और आप भी इस तरह से काम करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मार्केट करना बहुत आसान है, करने का तरीका होना चाहिए। तो उनसे हम बातचीत किए, उन्होंने चार पार्टी का नंबर नहीं दिए, एड्रेस बताए, जगह बताए, नाम बताए, बोले नंबर तो नहीं है कि हम लोगों का नाम बता देते हैं, जगह बताए थे, आप वहां चले जाना। वहां से हम निकले डायरेक्ट उस मार्केट के लिए जहां पे उन्होंने हमें नंबर दिए, तो चार पार्टी का नाम बताए वो, और हम वहां पे गए और चार में से हम तीन को विजिट किए, क्योंकि तीन ही मिले हमें जिस एड्रेस पे बताया वो नाम बताया, वहां पे हम ढूंढे तो तीन भी मिले, एक नहीं मिले, होंगे कहीं दाएं बाएं में लेकिन हमें नहीं दिखे, या फिर हम कोशिश नहीं किए होंगे उतना खोजने का, उनको ढूंढने का, लेकिन फिर भी तीन ही मिल गया, हम खुश हो गए। तो इसलिए चौथा के पास हम गए भी नहीं, उतना हम ध्यान भी नहीं दिए। क्यों नहीं ध्यान दिए, इसका भी रीजन है, अभी हम आपको बताते हैं वीडियो में, लास्ट तक आप बने रहिए। जैसे ही हम इन तीनों से मिले, तीनों को अपना हम प्रोडक्ट दिखाए, अपना जो रेट है वो बताए, होलसेल रेट बताए, रिटेल रेट बताए, दोनों बताए। उसके बाद वहां से हमें एक दुकानदार से मिला 25 बोरा का ऑर्डर, जबकि वो 5 बोरा 10 बोरा मंगवाता था, और हम उनके पास गए, बातचीत किए, हमारे बातों से वो इतना इंप्रेस हो गए कि जो 5-10 मंगाते थे वो 25 बोरा तक आए। क्योंकि हम उनको प्रपोजल ही ऐसा दिए, हम बोले हम खुदरा खुला माल देते नहीं है, कम देते नहीं है, गाड़ी का ही ऑर्डर देते हैं, मेरा ये रेट है। जब हम उनको रेट बताए तो वो भी थोड़ा सा वो हो गया कि यार रेट तो वाकई में लोगों से कम है, तो कैसे कम है, हम उनको ये भी रीजन बताए कि अगर आप इतना माल लेते हैं तो हम आपको इतने में ही दे देंगे। तो जो बंदा 5-10 बोरा लेता था वो 25 बोरा का ऑर्डर दिया। उन तीन पार्टी के पास गए, फिर उनसे भी यही बात बोले कि और कोई आपके जानकार में है जो कि बड़ा काम करता हो, तो वो भी एक ही का नंबर दिए, ज्यादा का नहीं दिए। तो उस मार्केट में भी एक आंटी थी, उनके पास भी गए हम, वो भी छोटा दुकानदार थे, उनसे भी हम यही चीज पूछे कि आंटी कोई यहाँ पे बड़ा दुकानदार है जिसके जिससे आप लोग माल वाल खरीदते हैं बेचने के लिए, हम ये चीज करते हैं, हमें उनके पास जाना है। तो फिर उन्होंने भी दो तीन का बताई कि देखिए एक वहां पे है, एक वहां पे, एक वहां पे है। तो ऐसे करके उस दिन हम जो 3-4 दिन पहले की बात है निकले मार्केट, तो ऐसे करके हम एक दिन में 10 पार्टी बनाए और 10 में से हमें 50,000 का ऑर्डर मिल गया, दो तीन दुकानदार को मिला के। तो मात्र समझिए हम 25 रुपए का तो पेन लिए थे, हमें नहीं पता था कि हम पेन लेंगे तो ये होगा, लेकिन हम जब हम गए थे वहां पे तो हम पेन लेने के लिए नहीं गए थे, हम गए थे उनसे यही बात करने के लिए कि उसी टाइम एकाएक हमें ये आइडिया आया पेन पहले उनसे कुछ लेते हैं। क्योंकि कहीं भी अगर यदि आपको कुछ सीखना हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो बिना आपको वहां पे इन्वेस्ट किए आप नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते हैं। जैसे बैंक में भी अगर आपको पैसा निकालना हो तो पहले उसमें डालना होता है, जब निकलता है, आप बैंक में पैसा डालोगे ही नहीं तो निकालोगे कैसे। कहीं जाना हुआ तो पहले आपको गाड़ी में तेल डलवाना होगा, उसके बाद जाओगे, जब तेल डलवाओगे तो जाओगे कैसे। तो यही तरह से आपको सब चीज इस्तेमाल करना होता है। अगर यदि आप कहीं गए, कुछ आपको जानकारी चाहिए, आप मतलब की चीजें अगर उससे पूछते हैं तो कुछ उसको भी आपको देना होगा, उसके बाद ही आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो इस तरह से हम एक दिन मार्केट गए तो मेरे पास में 10 पार्टी का नंबर आया, उसमें से हमें 5-7 लोगों ने हमें बोला कि हम आपको ऑर्डर देंगे, मेरे पास में अभी माल पड़ा हुआ है, अभी आया ही है, 2-4 दिन 5 दिन में हम आपको ऑर्डर देंगे। और 2-3 का तो ऑर्डर मिल गया, हैंड टू हैंड रेट्स देख के ही बोले ठीक है आप दे दीजिएगा। तो 25 बोरा 30 बोरा कर करके 20 बोरा 15 बोरा एक ही मार्केट में गया। तो उस तरह से हम एक ही गाड़ी को बुलाए और एक गाड़ी को बुला के उसमें सारा माल डाल दिए, एक ही जगह का ऑर्डर था, तो 25 बोरा वहां 20 बोरा वहां 10 बोरा वहां कर करके 50 बोरा उसको वहां पूरा हो गया। लेकिन मेरा तो यहां से एक ही बार में ऑर्डर गया,
वहां पे तीन दुकान में माल गया, लेकिन यहां से तो एक ही बार में 50,000 का माल निकल गया। तो ऐसे करके हमें वहां पे ऑर्डर मिला और एक दिन हम मार्केट गए, मोटिवेट होकर के गए और मोटिवेट होकर के ही आए, क्योंकि कुछ भी करने से पहले अगर आपके अंदर में हौसला, जज्बा, जुनून होगा ना, तो आप हर काम को कर सकते हैं। कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, बस आपको उम्मीद होना चाहिए और करने वाले आप होने चाहिए, हर काम को आप अच्छे से कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।